हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है टू वे कैटलिटिक कन्वर्टर। सो टू वे कैटलिटिक कन्वर्टर, जिसे हम हिंग्लिश और इंग्लिश में करने वाले हैं। हिंग्लिश का मतलब ये कि वीडियो होगा हिंदी में, बट जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उसे हम इंग्लिश में लिखेंगे ताकि आप इसे याद रख सकें और एग्जाम में लिख सकें। सो आइए देखते हैं वीडियो टू वे कैटलिटिक कन्वर्टर का। सो कैटलिटिक कन्वर्टर में छोटे साइलेंसर जैसे छोटे आकार का एक सिलेंड्रिकल यूनिट या एक ट्यूबुलर डिवाइस होता है, जिसे वाहन जैसे स्कूटर के एग्जॉस्ट सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। इसे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और साइलेंसर के बीच रखा जाता है। आइए एक वीडियो देखते हैं जिसके अंदर ये क्लियर होगा। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे हॉट एग्जॉस्ट गैसेस जो कैटलिटिक कन्वर्टर के अंदर जा रही है। ओके, सो इसे हम कैटलिटिक कन्वर्टर के थ्रू रूट क्यों करते हैं? क्योंकि जो कम्बशन होता है कभी कभी पार्शल होता है, सो उसमें जो गैसेस जो होती है जो एग्जॉस्ट से बाहर आती है उसके अंदर मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और कुछ अनबर्न्ड, ओके, जो पूरी तरह से बर्न नहीं हुई है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। इसीलिए हम इसे कैटलिटिक कन्वर्टर के थ्रू रूट करते हैं, जिसके हमें एडवांटेज मिलेंगे वो हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसके अंदर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि अनबर्न्ड हैं, जो कि कैटलिटिक कन्वर्टर में जा रहे हैं। सो सिलिंड्रिकल ट्यूब यानी कि कन्वर्टर के अंदर एक सिरामिक या मेटल का हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है, और जो पुराने डिजाइन है उसके अंदर बीट टाइप स्ट्रक्चर भी यूज होता था, बट आजकल ज़्यादातर हनीकॉम टाइप स्ट्रक्चर यूज होता है। इसके ऊपर एलिमिना बेस मटेरियल का कोटिंग होता है, ठीक है, जो फर्स्ट कोटिंग होता है वो होता है एलिमिना बेस का, और उसके ऊपर सेकेंड कोटिंग होता है जो कि होता है प्लेटिनम या पैलेडियम का, जो कि कीमती मेटल्स हैं। और ये जो सेकेंड कोटिंग है वो एक तरह से कैटलिस्ट का काम करती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि कैटलिस्ट का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता बट रिएक्शन में हेल्प करता है या सपोर्ट करता है, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। तो जो सेकेंड लेयर है जो कि प्लेटिनम या पैलेडियम का है, जो कि कीमती मेटल्स हैं, वो एक तरह से कैटलिस्ट का काम करते हैं। अब हम देखते हैं अगर हम एक कैटलिटिक कन्वर्टर को कट करते हैं तो वो अंदर से किस तरह से दिखाई देता है, आगे की वीडियो में देखते हैं। So, आप देख सकते हैं अंदर ये हनीकॉम स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो अगर कैटलिटिक कन्वर्ट करो हमने कट किया है यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, हनीकॉम टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम इसमें से लाइट पास करेंगे तो देखिए हमें लाइट आर पार दिख रही है, ठीक है, क्योंकि ये गैसेस है वो एक साइड से जाती है और दूसरे साइड से बाहर की तरफ आती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हनीकॉम स्ट्रक्चर में अगर मैंने एक कट किया है इसको और एक साइड से लाइट पास की है तो दूसरे साइड में लाइट देख सकता हूँ, ठीक है। सो ये जो हनीकॉम स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, और इसका फायदा क्या होता है देखते हैं आगे वीडियो में। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो ये जो हॉट एग्जॉस्ट गैसेस जो बाहर आती है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हम वीडियो में दिखा रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये येलो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन, और ये जो रेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और जिससे फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड अब रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देखा आपने किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन को पिक किया, रिएक्ट हुआ उसके साथ और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया है, जो कि हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कैटलिटिक कन्वर्टर के अंदर एंटर करता है। सो एंटर करने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था
कि कार्बन जो है उसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स हैं जो अनबर्न्ड हैं वो भी एंटर करते हैं कैटलिटिक कन्वर्टर के अंदर। सो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि हमने हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट किया है, जैसे ये जो है हाइड्रोजन और कार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं और फॉर्म करते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि अभी आप देखेंगे आगे वीडियो में कि हाइड्रोकार्बन्स आते हैं और वो इस तरह से स्प्लिट होते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं कि वाटर फॉर्म होता है यानी कि H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है यानी कि CO2। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो आते हैं, ये देखिए हाइड्रोकार्बन आया, स्प्लिट हुआ और उसने वाटर फॉर्म किया और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया। सो जब एग्जॉस्ट गैसेस गुजरती है कन्वर्टर सब्सटेंस के ऊपर से, के यानी कि कैटलिटिक कन्वर्टर के अंदर से जब वो गुजर रही है तो होता क्या है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। जो टॉक्सिक गैसेस है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स जो कि एग्जॉस्ट गैसेस में होते हैं, वो जब कन्वर्टर सब्सटेंस में से गुजरती है तो ये जो टॉक्सिक गैसेस है वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में यानी कि CO2 और H2O जो कि हार्मलेस होता है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, कन्वर्जन हुआ है टॉक्सिक गैसेस से जो हार्मलेस सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो यहाँ पे कैटलिटिक कन्वर्टर ने हमें हेल्प किया ताकि जो टॉक्सिक गैसेस हैं उसे हार्मलेस सब्सटेंसेस में बनाने के लिए, ताकि जब वो एटमॉस्फेयर में जाए सो वो हार्मलेस हों। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने रिएक्शन अभी देखे थे, ओके, पिछले वीडियो में जहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, और जो हाइड्रोकार्बन्स है यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन आते हैं और रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, सेम रिएक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि जैसे कि हमने बताया था कि जो सेकेंड कोटिंग है वहाँ पे प्लेटिनम या पैलेडियम जो मटेरियल है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, वही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, ये रहे ऑक्सीजन और ये आया कार्बन मोनोऑक्साइड जिसने ऑक्सीजन को पिक किया या रिएक्ट हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया, और ये रहे हाइड्रोकार्बन्स और ये रहे ऑक्सीजन और इन्होंने पिक किया और फॉर्म किया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे कैटलिटिक कन्वर्टर का वीडियो जो कि इंग्लिश में, ताकि आप एग्जाम में इसे लिख सकें। ठीक है, सो टू वे कैटलिटिक कन्वर्टर। अ कैटलिटिक कन्वर्टर इंक्लूड्स अ सिलिंड्रिकल यूनिट और अ ट्यूबुलर डिवाइस ऑफ स्मॉल लेंथ लाइक अ स्मॉल साइलेंसर इंस्टॉल्ड इन टू द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ अ ऑटोमोबाइल सच एज स्कूटर। इट इज पोजिशन बिटवीन एग्जॉस्ट एंड साइलेंसर। सो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड एंड साइलेंसर इन बिटवीन कैटलिटिक कन्वर्टर इज पोजिशन और इंस्टॉल्ड। द सेम थिंग वी हैव सीन इन द वीडियो अर्लियर, हाउ द एग्जॉस्ट गैसेज आर कमिंग थ्रू दिस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड एंड एंटरिंग द कैटलिटिक कन्वर्टर। Within the cylindrical tube that is converter, there is honeycomb structure of ceramic or steel which is lined by alumina based material, okay, and there is a second coating of precious metals like palladium or platinum. The second coating act as a catalyst, okay. So here what we are discussing, that the cylindrical tube is having a honeycomb structure, but this honeycomb structure is used nowadays, okay, but in earlier this converters there were bead type structure which was also being used. And then we talked about that the first coating or first lining is alumina based material, and after that there is a second layer of coating which is of precious metal like platinum or palladium. And this second coating acts as a catalyst. As you all know, catalyst means the substance which does not take part in the reaction but helps to speed up the reaction. When the exhaust gases passes over the converter substance, the toxic gases which includes carbon monoxide that is CO and hydrocarbons that is HC
transformed into harmless carbon dioxide and water. Okay, so what we can see over here, that the exhaust gases which is passing through the converter substance, the toxic gases like carbon monoxide and hydrocarbon are getting transformed or converted to harmless carbon dioxide and water before entering the atmosphere. So this diagram you can use in your examination, or I will be putting another diagram also in the thumbnail that also you can use to draw in the examination. Okay, so this was two-way catalytic converter where we have discussed in detail in Hinglish as well as English. So please like, comment, share and subscribe. Thanks for watching.